सो आज का फर्स्ट वर्ड है चलना। चलना नॉर्मल तरीके से चलना किसी इंसान का। वैसे चलना को इंग्लिश में कहा जाता है वॉक। वॉक मतलब चलना। जैसे इसका एग्जांपल है, मैं हर रोज सुबह काम पर 2 मील चलकर जाता हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे। आई वॉक 2 माइल्स टू वर्क एवरी मॉर्निंग। आई वॉक 2 माइल्स टू वर्क एवरी मॉर्निंग मतलब मैं हर रोज सुबह काम पर 2 मील चलकर जाता हूँ। और नेक्स्ट डे पैरों को घसीट कर चलना या पैरों को घसीटते हुए चलना, पैरों को उठाकर चलने के बजाय। तो इस तरीके की चलना को इंग्लिश में कहा जाता है शफल। शफल मतलब पैर घसीटते हुए चलना। जैसे इसका एग्जांपल है, इस तरीके से अपने पैरों को घसीटते हुए मत चलो, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे। डोंट शफल योर फीट लाइक दैट मतलब इस तरीके से अपने पैरों को घसीटते हुए मत चलो। और नेक्स्ट डे हाथों या घुटनों के बल चलना, जैसे बच्चे चलते हैं रेंगकर, वैसे इस तरीके की चलने को इंग्लिश में कहा जाता है क्रॉल। क्रॉल मतलब हाथों या घुटनों के बल चलना। जैसे इसका एग्जांपल है, बच्चा चारों घुटनों के बल चल रहा था, तो आप इसे इंग्लिश में सुनाएंगे। द बेबी वॉज क्रॉलिंग अराउंड। द बेबी वॉज क्रॉलिंग अराउंड मतलब बच्चा चारों ओर घुटनों के बल चल रहा था। और नेक्स्ट डे अकड़ कर चलना कुछ इस तरीके से, अपनी छाती को आगे करके चलना, प्राउड वे में चलना, इसे कहा जाता है अकड़ कर चलना। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रट। स्ट्रट मतलब अकड़ के चलना। जैसे इसका एग्जांपल है, अकड़ कर चलना बंद करो, तो आप इसे इंग्लिश में सुनाएंगे स्टॉप स्ट्रटिंग। स्टॉप स्ट्रटिंग मतलब अकड़ कर चलना बंद करो। और नंगे पाँव चलना कुछ इस तरीके से, वैसे नंगे पाँव चलना को इंग्लिश में कहा जाता है वॉक बेयर फुट। वॉक बेयर फुट मतलब नंगे पाँव चलना। जैसे इसका एग्जांपल है, नंगे पाँव मत चलो, तो आप इसे इंग्लिश में सुनाएंगे डोंट वॉक बेयर फुट। डोंट वॉक बेयर फुट मतलब नंगे पाँव मत चलो। और नेक्स्ट डे लंगड़ा कर चलना या लंगड़ाना चोट के कारण, वैसे लंगड़ा कर चलना को इंग्लिश में कहा जाता है लिम्प। लिम्प मतलब लंगड़ा कर चलना। जैसे इसका एग्जांपल है, वो लंगड़ा कर चल रही थी, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे शी वॉज लिम्पिंग। शी वॉज लिम्पिंग मतलब वो लंगड़ा कर चल रही थी। और नेक्स्ट डे लड़खड़ाना कुछ इस तरीके से चलना, बीमारी या नशे में होने के कारण, वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्टेगर। स्टेगर मतलब लड़खड़ाना। जैसे इसका एग्जांपल है, वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे ही स्टेगर्ड एंड कोलैप्स्ड। ही स्टेगर्ड एंड कोलैप्स्ड मतलब वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। और नेक्स्ट डे कदम से कदम मिलाते हुए चलना सैनिकों की तरह, तो इस तरीके की चलना को इंग्लिश में कहा जाता है मार्च। मार्च मतलब कदम से कदम मिलाते हुए चलना। जैसे इसका एग्जांपल है, वो सैनिकों की तरह कदम से कदम मिला के चल रहा था, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे ही वॉज मार्चिंग लाइक सोल्जर्स। ही वॉज मार्चिंग लाइक सोल्जर्स मतलब वो सैनिकों की तरह कदम से कदम मिला के चल रहा था। और नेक्स्ट डे भटकना, भटकना या इधर उधर घूमना, इस तरीके की वॉक करना बिना किसी डायरेक्शन के या पर्पस के, इस तरीके की वॉक को कहा जाता है इंग्लिश में वॉन्डर। वॉन्डर मतलब भटकना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, उसने अपना दिन शहर में इधर उधर भटकते हुए बिताया, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे ही स्पेंट हिज डे वॉन्डरिंग अराउंड द सिटी। ही स्पेंट हिज डे वॉन्डरिंग अराउंड द सिटी मतलब उसने अपना दिन शहर में इधर उधर भटकते हुए बिताया। और नेक्स्ट डे पंजों के बल चलना, पंजों के बल चलना या दबे पाँव चलना भी कहते हैं इसे हिंदी में, जब आप अपने पंजों के सहारे चलते हो पैर के, वैसे इस तरीके की चलना को इंग्लिश में कहा जाता है टिपटो। टिपटो मतलब पंजों के बल चलना या दबे पाँव चलना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, वो दबे पाँव चला या पंजों के बल चला, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे ही टिपटोड मतलब वो पंजों के बल चला या दबे पाँव चला। एक और एग्जांपल इसका, वो दबे पाँव कमरे में घुसा, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे ही टिपटोड इनटू द रूम। ही टिपटोड इनटू द रूम मतलब वो दबे पाँव कमरे में घुसा। और नेक्स्ट डे टहलना, टहलना स्लोली और रिलैक्स्ड वे में, वैसे इस तरीके की वॉक को इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रोल। स्ट्रोल मतलब टहलना। जैसे इसका एग्जांपल है, वो टहल रहा था, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे ही वॉज स्ट्रोलिंग।
ही वॉज ट्रोलिंग मतलब वो टहल रहा था। और नेक्स्ट डे लंबी डग भरना या लंबी डग लेकर चलना, इसका मतलब होता है लॉन्ग स्टेप्स के साथ चलना। वैसे इस तरीके की चलना को इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्राइड। स्ट्राइड मतलब लंबी डग भरना। जैसे इसका एग्जांपल है, वो लंबी डग भरते हुए कमरे से बाहर निकल गया, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे ही स्ट्रोड आउट ऑफ द रूम। ही स्ट्रोड आउट ऑफ द रूम मतलब वो लंबी डग भरते हुए कमरे से बाहर निकल गया। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, स्ट्रोड जो है वो सेकंड फॉर्म है स्ट्राइड की। एंड द लास्ट वन इज दमदम करके चलना, खासकर गुस्सा होने की वजह से कुछ इस तरीके से चलना। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्टॉम्प। स्टॉम्प मतलब दमदम करके चलना। जैसे इसका एग्जांपल है, दमदम करके मत चलो, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे डोंट स्टॉम्प। डोंट स्टॉम्प मतलब दमदम करके मत चलो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और ये दोनों आज के क्विज हैं, कमेंट में मुझे इसके आंसर लिख के बताइए। और इस वीडियो में आपने सीखे वॉकिंग से रिलेटेड वर्ड मीनिंग। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।